कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो? बहुत अच्छी बात है, सभी को स्वस्थ रहना भी चाहिए और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हम जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने नियमित और लगातार तरीके से हिंदी विषय का अध्ययन करते आ रहे हैं, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैग्निजन अभिराज वर्ल्ड स्कूल की तरफ से आज की हमारी कक्षा 7 की विषय हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ क्रमांक 6, जिसका नाम क्या है आइए देखते हैं। सुनहरा मुर्गा, काला बंदर और लाल अमरूद का पेड़। तो आपने कभी सुनहरा मुर्गा देखा है? नहीं। काला बंदर? काला बंदर भी नहीं देखा। अच्छा, और लाल अमरूद देखे? लाल अमरूद भी नहीं देखे। कैसे अमरूद खाएंगे? अरे अच्छा, तो बच्चों आज हम अपने पाठ में इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारे पाठ का नाम तो आपको पता चल गया, और मैं आपको ये हमेशा बताती आ रही हूँ कि पाठ के नाम के साथ साथ हमें पाठ के लेखक का नाम भी पता होना चाहिए, लेखक के विषय में भी पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। लेखक का नाम मोहन राकेश। लेखक का जन्म 8 जनवरी 1925 को अमृतसर पंजाब में हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई? 3 जनवरी 1972 को दिल्ली में। ठीक है, लेखक से संबंधित हमें बातें पता चल गई। अब देखिए शाम पट पर मैंने चित्र बनाया है पाठ से संबंधित। जब आप अपनी किताब खोलोगे, पाठ 6 निकालोगे, तो आपको ये ही चित्र दिखाई देगा। 3 लोगों के विषय में हमें बताया है, सुनहरा मुर्गा, काला बंदर और लाल अमरूद का पेड़। और ये कौन है, इसका हमारे पाठ में क्या मतलब है, क्या कार्य है, तो वो भी हम बताएंगे। वैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये शिकारी है, पर शिकारी क्या करने आ रहा है वो हम बताएंगे पाठ को पढ़ेंगे जब। अब पाठ में हम शब्द तो उसको पढ़ते हैं, कठिन शब्द, लेकिन हमारे पाठ में कठिन शब्द थोड़े से हैं, क्योंकि हमारा पाठ एक कहानी के रूप में, हम उसको एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे। तो कहानी व्याकरण की एक विधा है। और अब हम आते हैं शब्दकोश के ऊपर। देखिए, मस्करा, खसाने वाला, खस्ता, खराब, जिस्म, शरीर, देह, तन, सन्निपात, तेज बुखार, तेज ज्वर। अब देखिए तेज पर ध्यान दीजिए बच्चों, तेज के नीचे ये एक बिंदु लगा हुआ है, ये बिंदु कौन सा है? मैंने आपको पहले भी बताया था आगत चिन्ह या नुक्ता चिन्ह के विषय में, आया ना ध्यान? तो ये वही नुक्ता चिन्ह है जो हमारी हिंदी भाषा में किसी अन्य भाषा से आया है। ठीक है, आगे समझ को शामपट पर जो मैंने अंकित किया है और चित्र बनाया है वो समझ में आ रहा है ना? ये सब हमारे पाठ से संबंधित है। और मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा पाठ, जब आप पढ़ोगे तो पृष्ठ संख्या 53 पर शुरू होता है हमारा पाठ। ये रहा पाठ 6, सुनहरा मुर्गा, काला बंदर, लाल अमरूद का पेड़। तो इस पर जो बातें लिखी है, अंकित है, वो मैं आपको बता रही हूँ, फिर अपनी कहानी शुरू करेंगे कि किस आधार पर है। एक साथ रहना और योजनाबद्ध तरीके से अपना जीवन यापन करना ही बुद्धिमानी। अलग अलग या आपस में गलत फहमियाँ आने से रिश्तों में और दोस्ती में दरार आ जाती है ना? प्रस्तुत कहानी में जो लेखक है हमें वो यही बताना चाहता है कि एकता में ही शक्ति होती है, और अलगाव, एकता, जुड़ाव, साथ रहने में, साथ मिलजुल कर कार्य करने में ही कार्य अच्छा होता है। लेकिन अगर अलगाव हो जाएगा, हम बिखर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे, तो वो हमारी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है, हमारे कार्यों की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। सुनहरा मुर्गा अपने ही प्रकार का, एक अलग प्रकार का, एक ही मुर्गा है ना कहानी के अंदर। काला बंदर अपने ही प्रकार का, काले शरीर वाला एक ही बंदर। पेड़ लाल अमरूद का पेड़ अपने ही प्रकार का, लाल अमरूद के फल देने वाला एक ही पेड़। ये तीनों बहुत ही गहरी दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं, इनकी बहुत ही अच्छी मित्रता।
जमीन पर पटक देता है, जिससे वो चिड़ियाघर के जो सदस्य हैं, लोग हैं, उन पर फिसल जाते हैं, पड़ जाते हैं, उनको लग जाती है और भाग जाते हैं। तो मुर्गे की और बंदर की सहायता हो गई। अब आती है पेड़ की बात। पेड़ को क्या होता है कि पेड़ के अमरूद लाल होते हैं और वो उसको लेने के लिए, अमरूदों को लेने के लिए बाकी के लोग, स्कूल से बच्चे सब पेड़ के पास एकत्रित हो जाते हैं और क्या करते हैं, पेड़ से अमरूद खाने की, तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब कौन कौन सहायता करता है पेड़ की? अब सहायता करता है बंदर और मुर्गा। मुर्गा क्या करता है, पेड़ के अमरूद मतलब फल को, लाल अमरूद को अपनी चोंच में दबाकर लेट जाता है, पड़ जाता है, ऐसा नाटक करता है कि जैसे वो पेड़ के फल से बीमार हो गया हो, कि सामने वाला ये सोचे कि हम अगर इस फल को खाएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे, तो रोग पैदा करने वाला फल है। बंदर क्या करता है, बंदर उन लोगों के चारों ओर घूमता है, बच्चों को डराता है, उनके थप्पड़ मारता है, उनके कान पकड़ता है, खींचता है, खिर खिर करता है और उनको खाने को तोड़ता है, तो उनसे भी डर के वो भाग जाते हैं। तो अब तीनों की सहायता हो गई, तीनों ने ही मिलजुल कर सहायता कर ली। तो इसी प्रकार वो अच्छी हंसी खुशी अपनी मित्रता को बनाए रखते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन क्या होता है बच्चों कि बहुत तेज बारिश आ रही होती है, मूसलाधार वर्षा और बिजली कड़क रही होते, ओले गिरते हैं धड़म धड़म मोटे मोटे और हवा चलती है। तो तीनों अपनी अपनी सहायता खुद करते हैं कि एक दूसरे की नहीं कर पाते। उस समय पेड़ सोचता है कि बंदर मेरी सहायता नहीं कर रहा, बंदर सोचता है कि पेड़ और मुर्गा मेरी सहायता नहीं कर रहा, मुर्गा सोचता है कि बंदर और पेड़ मेरी सहायता नहीं कर रहे। तीनों आपस में सोचते हैं एक दूसरे के विषय में, देखो हम तो उसकी सहायता करते हैं जब वो संकट में रहता है, लेकिन आज ये कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा। तो ये गलतफहमियां पैदा हो जाती है तीनों के मन में। बेचारे टूटते हैं, बंदर सोचता है देख पेड़ मुझे अपनी पत्तियों के उलट में नहीं छिपा रहा, मुझे तेज बुखार है, सन्निपात हो रहा है। मुर्गा ये सोचता है देख मैं यहाँ धरती पर पानी पानी हो गया, मैं पानी में बैठा हूँ, पेड़ अपनी जड़ों से नहीं कह रहा कि थोड़ी सी सूखी जगह मुझे दे दे या सूखी जगह मेरे लिए बनाए। पेड़ सोचता है कि मेरे सारे फल ओलों से टूट कर नीचे गिर गए हवा से, और बंदर और मुर्गा मेरी सहायता नहीं कर रहे। लेकिन बच्चों सहायता अब कौन और कैसे करे, इस प्राकृतिक जो आपदा है इससे सहायता कौन कर सकता है? अब सब अपना अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन अब तीनों के मन में गलतफहमियां आ जाती है। तीनों एक दूसरे से बातें नहीं करते उस समय भी। दूसरे दिन मौसम सही रहता है, फिर भी तीनों बातें नहीं करते कि अब हम क्यों इसकी सहायता करें किसी की, जब हमारी किसी ने कल सहायता नहीं की तो। अब क्या होता है, ऐसे ही चलता रहता है। कुछ दिनों पश्चात गलतफहमियां हो गई ना रिश्तों में तीनों के। कुछ समय पश्चात पहले मांस विक्रेता आता है, क्योंकि अब तीनों आपस में बात नहीं कर रहे, तो मांस विक्रेता आता है मुर्गे को पकड़ने के लिए। लेकिन ना तो बंदर उसकी सहायता करता है और ना ही पेड़ उसकी सहायता करता है। मांस विक्रेता मुर्गे को पकड़ के ले जाता है और उसका मांस किसमें बेच देता है, बाजार में बेच देता है। मुर्गा मर गया। अब बारी आती है बंदर की। बंदर सोचता है कि पेड़ मेरी सहायता कर लेगा, लेकिन जब बंदर ने ही मुर्गे की सहायता नहीं की तो पेड़ क्यों करेगा? पेड़ सोचता है मैं क्यों सहायता करूँ, इसने करेगी बारिश वाले दिन मेरी सहायता। बंदर को चिड़ियाघर वाले पकड़ने आते हैं, गाड़ियाँ ले आते हैं, पिंजरा ले आते हैं, जाल ले आते हैं, लेकिन बंदर सोचता है पेड़ मेरी सहायता कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेड़ ने बंदर की सहायता नहीं की और वो बंदर को लेकर चले गए चिड़ियाघर। अब अकेला पेड़ रह गया। अब पेड़ के अमरूद खाने के लिए बच्चे बड़े सभी लोग एकत्रित हो गए, गाड़ी ले आए सब अपनी अपनी, और पेड़ के पत्थर चारों ओर एकत्रित हो गए, पत्थर मार मार के उन्होंने क्या किया, सारे अमरूद नीचे गिरा दिए, तड़ातड़ तड़ातड़ पेड़ को घायल भी कर दिया और अमरूद भी नीचे गिरा दिए। पेड़ दुखी हुआ। और फिर जब सारे फल गिर गए तो किसी ने कहा ये पेड़ भी सूख गया है, इसको भी काट, तो आरी चलाकर उस पेड़ को भी काट दिया, उसकी लकड़ियां हैं जो सब अपने घर ले जा रही है। अब उसी समय वहीं पर एक गिलहरी होती है छोटी, वो ये सब कुछ देख रही होती है। जब वो इन लोगों की मित्रता देखती थी, जब भी वो आश्चर्यचकित होती थी कि देखो ये किस प्रकार अच्छी तरीके से रह रहे हैं, भला ऐसे भी कोई रह सकता है,
वो उनके सर्वनाश को भी देख रही थी, विनाश को भी देख रही थी। जब पेड़ की लकड़ी ले जाई जा रही थी तो गिलहरी बोली, लो अब ये भी चल दिया दूसरों के चूल्हों में जलने के लिए। यहीं पर ही बच्चों जो हमारी कहानी है वो खत्म होती है, समाप्त होती है ना। तो बच्चों हमें क्या शिक्षा मिली? पाठ हमने पढ़ लिया, पाठ से संबंधित बातें भी पढ़ ली, इन तीनों के विषय में भी पढ़ लिया। अब हमें क्या शिक्षा मिली? हमारा जो पाठ है उसका क्या सारांश निकला? सारांश यही निकला बच्चों कि संगठन में शक्ति होती है। अलग अलग टुकड़ों में विभक्त होने में या किसी से बैर भाव करने में कोई फायदा नहीं है। वो केवल हमें हमारे पतन की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। जब तक तीनों इकट्ठे थे कोई उनका कुछ नहीं बिगड़ पाया, लेकिन जैसे ही वो अलग हुए, आपस में बात करना छोड़ दिया,